Morning, all of you students. Today we are going to start with our EVS subject of class 3rd. Now, open your book, student. Today we are studying chapter number 12, Houses We Make. Students, page number 61. हम स्टिल्ट हाउसेस पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ इज नंबर 3, हाउसेस विथ स्लैंटिंग रूफ टॉप्स. स्लैंटिंग रूफ टॉप्स मतलब जो ऐसे शेप में होते हैं उसे स्लैंटिंग रूफ्स कहते हैं. और ये इजीली यहाँ से जैसे बारिश हो या बर्फ कुछ भी गिरे तो वो इजीली फिसल कर नीचे की तरफ आ जाए. ओके स्टूडेंट, पीपल लिविंग इन एरियाज दैट रिसीव हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल बिल्ड हाउसेज विद स्लैंटिंग रूफ टॉप्स. जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में बारिश और बर्फ गिरती है तो वो अपने घर कैसे बनाते हैं? स्लैंटिंग रूफ टॉप्स, जिनकी जो घर की छतें होती हैं वो स्लैंटिंग शेप में होती हैं. ठीक है, अ स्लैंटिंग रूफ टॉप अलाउज द रेन वाटर और द स्नो टू फॉल डाउन ईजिली. और जो स्लैंटिंग रूफ टॉप्स होती हैं वो बारिश के पानी और बर्फ़ को नीचे की ओर आसानी से गिरने में मदद करती हैं ताकि वो छत पर ही ना रुकी रह जाए. मोस्ट ऑफ दिस हाउसेज आर मेड ऑफ वुड, ज़्यादातर ये घर जो होते हैं अधिकतर ये घर लकड़ियों से बने होते हैं. ठीक है, लाइक अस एनिमल्स एंड बर्ड्स आल्सो नीड शेल्टर्स, जैसे कि जानवर और जो पक्षी होते हैं उनको भी शेल्टर्स की यानी आवास की ज़रूरत होती है. सम एनिमल्स एंड बर्ड्स बिल्ड देयर ओन शेल्टर, कुछ जानवर और पक्षी अपना घर खुद बनाते हैं. ह्यूमंस बिल्ड शेल्टर्स फॉर सम एनिमल्स, जो लोग होते हैं वो कुछ ही एनिमल्स के लिए घर बनाते हैं. वी शुड लुक आफ्टर आवर हाउस एंड कीप इट क्लीन, हमें अपने घर की देख रेख करनी चाहिए और उसको साफ रखना चाहिए. अ क्लीन हाउस इज अ गुड फॉर हेल्थ, और एक स्वच्छ घर की हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट स्टेप अगली क्लास में करेंगे. कि बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी. थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे. एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना. सो रिमेंबर दैट ऑल ऑफ यू. Thank you for all of you.